हेलो एवरीवन आज हम देखेंगे इंडिया टू होस्ट यू एन एस सी मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म इस टॉपिक को आप जी एस पेपर टू पॉलिटी आ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि इंडिया जो है वो यू एन एस सी की मीटिंग को होस्ट करने वाला है और वो जो टॉपिक होगा वो होगा काउंटर टेररिज्म पे तो काउंटर टेररिज्म मीन्स कि आतंकवाद से कैसे निपटना है उस टॉपिक पे इंडिया जो है वो मीटिंग को होस्ट करेगा ये मीटिंग जो है वो अक्टूबर में होने वाली है और दिल्ली या मुंबई में ये मीटिंग होगी यू के फिफ्टीन मेंबर्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस मीटिंग को ही इंडिया होस्ट करेगा फिफ्टीन मेंबर्स में से टेन नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और फाइव परमानेंट मेंबर होते हैं इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है और अदर इशू जो है जिस पे ये मीटिंग होगी वो है टेररिज्म फाइनेंसिंग यानी कि जो लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं उस पर भी बात होगी और साइबर थ्रेट और यू के बारे में और देखें तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है और टोटल सिक्स ऑर्गन होते हैं फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी मीटिंग इंडिया होस्ट करने वाला है और इसका मेन एम है पीस को मेंटेन करना दूसरा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सिक्स है द सेक्रेटरीट। यू को वर्ल्ड वार टू के बाद बनाया गया था और चाइना फ्रांस रसिया यू एंड यू इसके परमानेंट मंबर है और इनके पास एक स्पेशल पावर होती है परमानेंट मेंबर्स के पास वो होती है वीटो पावर